जल्दी नहा के निकलो, जल्दी शाबाश। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से, ठंडी ज्यादा है। अरे आराम से आराम से, भगवान जा जा जा। जय श्री राम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हम अपना नया व्लॉग अपनी गाड़ी में बैठ के इंट्रो शूट कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारी तबीयत हो गई थी खराब। पता नहीं क्यों कई बार वोमिटिंग वगैरह हुई, जिसकी वजह से एकदम डिहाइड्रेट हो गए। हम अयोध्या पहुंच चुके हैं, बस यहाँ से राम मंदिर 4-5 किलोमीटर है, लेकिन हम इधर ही रुक गए थे और अभी हमने नहाया भी नहीं है, ब्रश वगैरह भी नहीं किया है। तो आगे चलते हैं, कहीं पे रुकेंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, नहाएंगे, देखते हैं कि होटल में नहाते हैं कि सरयू नदी में स्नान करते हैं, फिर कुछ खाएंगे, फिर चलेंगे दर्शन करने के लिए। और बहुत सारी चीजें हैं आपको दिखाने के लिए, हमको भी देखना है, आपको भी दिखाना है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। रात में हम आपको कुछ दिखा नहीं पाए हैं, ये अयोध्या में पहले नहीं था, देख रहे हैं बीच में जो डिवाइडर है इस पे भी फूल माला पूरा डेकोरेशन हुआ है, जो पेड़ है उस पे भी फूल लगे हुए हैं। रात में लाइट इतनी ज्यादा जल रही थी कि बहुत सुंदर लग रहा था एकदम। टर्न राइट ऑनटू वर्षापर रोड, देन टर्न लेफ्ट ऑनटू नेशनल हाईवे 27। ऐसे बहुत सारे गमले पूरे अयोध्या में रोड के किनारे किनारे रखे गए। पीछे आपने देखा ना, अभी उधर मतलब देख ऐसा लग रहा है कि अभी काम कंप्लीट नहीं है, बट इधर देखो डेकोरेशन क्या मस्त किए, इतने गमले देख रहे हो, इतना सुंदर सजाया गया है। स्लाइट लेफ्ट टुवर्ड नेशनल हाईवे 330। अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते, यहाँ की गाड़ियाँ लेके जा सकते हैं, तब फिर किससे जाएंगे, कौन सी गाड़ी से? बैटरी गाड़ी जैसे करके ले जाओगी ना, तो गली वली से ले जाके आपको मंदिर के सामने उतार देगा। अच्छा, उधर भीड़ नहीं है मंदिर साइड आज? भीड़ क्या, थोड़ा बहुत तो रहेगी, भी स्टार्टिंग हुई है आज ही कल। अच्छा, मंदिर जाएंगे क्या? हाँ अभी तो मंदिर जाना है। ये देखो क्या डेकोरेशन है यार, कितना फूल कितना लगा है, अभी तो कुछ मुरझा भी गए हैं भाई, क्या भव्य डेकोरेशन हुआ है। उसने बोला पार्किंग मल्टीनेशनल पार्किंग है, कहाँ है मल्टी लेवल पार्किंग है? पता नहीं कहाँ है, दिख भी नहीं रहा, वो बोला आगे जाओ मल्टी लेवल। ये कुछ बना, स्लाइट लेफ्ट टुवर्ड नेशनल हाईवे 330। तो देखिए ये है पार्किंग, और यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है, और यहाँ पे 100 रुपए पड़ रहा है 12 घंटे का। तो अभी हम चल रहे हैं बाहर, देखते हैं कि आगे नहाने वाने का हमारा क्या है, कहाँ बनता है। तो जी हम जा रहे हैं अभी घाट पे नहाने के लिए, नहा के तैयार होके फिर जाएंगे मंदिर, इसमें और ठंडा लगेगा। पहले इधर रास्ते नहीं थे ना, रास्ते थे, पतले पतले थे, हम 2 साल पहले आए थे। देखो जगह जगह भंडार लगे, जगह जगह भंडार लगे, सारे न्यूज चैनल वाले हैं यहाँ पे, NDTV वगैरह लेके, ABP न्यूज, आज तक वाले, सब सारे चैनल वाले की ड्यूटी इधर लगी है, बाकी और कुछ नहीं दिखा रहे, सिर्फ अयोध्या में दिखा रहे। भाई कुछ दिन बाद देखना सारे लोग के घर बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े होंगे, लोग इसी में होम स्टे बना के बोलेंगे कि आओ रहो हमारे यहाँ, रोजगार का जरिया खुल गया ना अच्छा खासा, यहाँ के लोग के रोजगार तो बहुत हो गया। नहीं भैया, रोजगार बहुत मिल गया आप लोगों को, रोजगार तो मिल गया, लेकिन रास्ता तो बरसात का बहुत गंदगी है। अरे बाप, खुश नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन जब सारी चीजें सही ढंग से चल जाए तब सही बात। मतलब और क्या ऐसा चाहते हैं आप? रास्ता 10-10 रुपया पड़ता है वहाँ पर। अच्छा, हम आपको 25-25 रुपए में लेके जा रहे हैं, वो तो सही बात है, दो ही लोग को लेके जा रहे हैं, तीसरा नहीं मिला है, तकलीफ आपको भी तो हो रही है, वो तो होगी भाई। हम आ गए सरयू नदी के तट पे, ये सरयू नदी, अब हम चल रहे हैं नहाने के लिए, तैयार हो गए, स्नान करेंगे, लेकिन ठंडा पानी बहुत होगा। एक बार हम बहुत पहले नहाए थे जब हम संगम नहाने गए थे, और आज फिर से नहाने जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा हमारा। कंचन जी लगाएंगे डुबकी, अभी नहाने जा रहे हैं भैया, क्या बात है, हमारा तो हिम्मत ही नहीं पड़ रहा नहाने को। एक एक भाई, एक जा रहा है, जाओ 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 जाओ, एक में जाओ जाओ, नहीं
जा 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 जा। कंचन डर रही बेचारी, पानी से डर रही। इस टाइम लोग पानी से ज्यादा डर रहे हैं। देखो देखो आराम से। अरे 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 गहरा नहीं है। हाँ जल्दी नाक निकलो, शाबाश। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से। ठंडी ज्यादा है। अरे आराम से आराम से। अरे भगवान, जा जा जा। बेचारी ठंडी खत्म हो गई लेकिन। तुम क्या बन गई हो अभी? भाई ठंडी में ये सब चलता है, और जब तक नहीं नहाए थे ऐसा लग रहा था हाथ कट जाएगा, पैर नहा लिए, सारी ठंडी गायब। अब एकदम एनर्जी पूरी वापस आ गई है। कल जितना सब हमारा एनर्जी लॉस हुआ है, मतलब इतना प्रॉब्लम हुआ है रास्ते पर, कंजन को दिक्कत हो रहा था। अब बस खा ले कुछ तो एनर्जी फुल वाली आ जाए, उसके बाद फिर आप लोगों को पूरा अयोध्या टूर कराते हैं। चले चलो। सरयू माता मंगल करवाए, को सदा सुखी रखो, उनके शरीर का रक्षा करना, उद्धार नाथ कल्याण करूँ। तो लगा टिक्का वाला लगाएंगे आप। चलिए कोई बात नहीं, खराब लग रहा है तो आप भूले होते तब लगाए होते हो। पूरा फैल गया है ना तो फैशन के अनुसार आपको लगा दिए। फैशन नहीं करते। क्या खाना है? यहाँ का पूरी सब्जी। चलो आओ देखे पूरी सब्जी मिलेगा ना। पूरी सब्जी, कचौड़ी सब्जी, पूरी सब्जी। हाँ वही कचौड़ी सब्जी। हाँ। भाई जब हम गाड़ी से निकले थे ना अपनी नहाने के लिए, तो क्या पूरी छन रही थी, हर जगह ठेला वाले बना रहे थे, इतना स्वाद आ रहा था, मतलब मन कर रहा था खा ले। सुगंध गाड़ी तक आ रही थी। लेकिन क्या है कि कल हमको इतना दिक्कत हुआ था ना, इसलिए हम पहले फ्रेश होना चाहते थे, एकदम नए नहा धो के एकदम नहा धो के एकदम बकायदे से, अभी एकदम हो गए। देखो गर्मा गर्म पूरी निकल रही है। हाँ दे दे चलेगा, इसी में छोड़ दोगा? छोड़ दीजिए साइड में आराम से। चाय थोड़ा दूर रखना। खाओ खाओ खाओ। क्या बात है, गर्मा गर्म पूरी और गर्मा गर्म सब्जी। ये बनारस मथुरा वृंदावन और अब अयोध्या का भी हो गया। ऑलमोस्ट सारे धार्मिक स्थल में मिलते हैं। टेस्टी क्या ही बताए, कहीं इसके टक्कर का कुछ नहीं है। खाइए आप खाइए।